महान राजनीतिज्ञ और शिक्षक आचार्य चाणक्य कहते थे कि नियति से डरो मत, उसे देखो और समझो। जो लोग भय को गंभीरता से लेते हैं, विजयश्री उन्हीं का चुनाव करती है। अगर कोरोना वायरस COVID-19 हमारी नियति है तो इसका भय ही बचाव है, इसलिए घर पर रहें और सुरक्षित रहें। इस लॉकडाउन में कुछ लोगों का अपने घर पर समय बिताना मुश्किल हो रहा है और कुछ लोगों का इस लॉकडाउन में अपने बिजनेस को घर बैठे आगे बढ़ाना। तो चलिए आज इस मुश्किल को आसान करते हैं। मेरा नाम है तारा शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल तारा शर्मा ऑफिशियल पर। आज के इस वीडियो में मैं अपने 15 साल की सर्विस, व्यापार और नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर के अनुभव से कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ साझा कर रहा हूं जो इस लॉकडाउन में घर बैठे मुझे मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं और मुझे रिजल्ट भी दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करने के साथ बेल आइकन को भी दबा दें और ये सुनिश्चित कर लें कि आपने ऑल नोटिफिकेशन को भी चालू कर दिया है ताकि हमारे लेटेस्ट अपलोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जो लोग ये सोचकर बैठे हैं कि वे अपने बिजनेस में जो कुछ भी करेंगे इस लॉकडाउन को खुलने के बाद करेंगे, तो वो ये जान लें कि ये लॉकडाउन कब खुलेगा यह हमारे बस में नहीं है, और अगर ये खुल भी जाता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में ऐसा समय हमारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। याद रखिए, कोरोना वायरस COVID-19 हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है, हमें नहीं। परिस्थितियों के आगे समर्पण करना ही समाधान नहीं है। समझदार वह है जो परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। इसलिए वर्क फ्रॉम होम के लिए तैयार रहें। सबसे पहला काम करें, अपनी दिनचर्या को प्रबंधित करें। मुझे सुबह कितने बजे उठना है, रात को कितने बजे सोना है, मुझे कितना समय एक्सरसाइज, योगा और प्रार्थना में बिताना है, कितना समय बच्चों के साथ खेल कूद और मनोरंजन में, कितना समय मुझे प्रकृति के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों की देखभाल में बिताना है, कितना समय मुझे घर के कामों में हाथ बटाना है, कितना समय मुझे मेरी मेंटल हेल्थ के लिए पॉजिटिव थिंकिंग की बुक्स, स्टोरीज और पोइम पढ़ने में बिताना है, कितना समय मुझे मेरी मनपसंद का म्यूजिक सुनने में बिताना है और कितना समय मुझे प्रेरणादायक फिल्मों को देखने में बिताना है, इसके साथ साथ कितना समय मैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज के लिए दे सकता हूँ। यह सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे पास तो समय बचता ही नहीं, फिर भी मैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज के लिए 2 से 4 घंटे का समय निकाल लेता हूँ। और अगर आप भी ऐसा कर सकते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। घर पर बिजनेस के अनुकूल माहौल तैयार करें। 2 से 4 घंटे की बिजनेस एक्टिविटीज के लिए मैं अपने घर के सबसे शांत कक्ष को चुनता हूं, जिसमें हमारे बच्चों का स्टडी रूम हो या हमारे घर का प्रार्थना घर। कोशिश करता हूं कि मैं वेल ड्रेस रहूं और रूम पूरा व्यवस्थित हो, सारे टूल्स आसपास हो। आपने देखा होगा सुपर हीरो मूवीज के अंदर दुनिया के तमाम सुपर हीरो, चाहे उनमें मेरा फेवरेट आयरन मैन हो या थोर हो, स्पाइडरमैन हो या कैप्टन अमेरिका, या सुपरमैन हो या बैटमैन, ये सुपर हीरो जब अपने सूट में होते हैं, यानी कि वेल ड्रेस्ड होते हैं, तो इनकी असली ताकत बाहर निकल के आती है इनके सूट में होने पर, इनके वेल ड्रेस्ड होने पर। ठीक इसी तरह एक एंटरप्रेन्योर की असली ऊर्जा उसके वेल ड्रेस होने और उसके वेपन्स में होती है, जिन्हें हम टूल्स कहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें एक आंतरिक ऊर्जा का संचार करती है। याद रखिए, अगर आप घर से भी काम कर रहे हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करें। अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को भी प्रबंधित करें। अगर आप मेरी तरह नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं और आपकी कंपनी वर्ल्ड क्वालिटी के हेल्थ केयर और FMCG प्रोडक्ट बना रही हैं, तो आप खुशकिस्मत हैं। इस मुश्किल वक्त में इन्हीं 2 कैटेगरीज में प्रोडक्ट मूव हो रहे हैं और ये इंडस्ट्री रन कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाला वक्त डायरेक्ट सेलिंग का होगा, लेकिन तब तक आपको लगातार सीखते हुए निरंतरता, कंसिस्टेंसी और एम्बिशन के साथ इस बिजनेस में टिके रहना होगा। मैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज के इन 2 से 4 घंटों को इस बिजनेस के सिस्टम के साथ प्रबंधित करता हूँ।
क्योंकि मैं जानता हूं कि बिना सिस्टम को फॉलो किए मैं उचित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। और इस बिजनेस का सिस्टम है फोर बेसिक्स। फोर बेसिक्स का पहला बेसिक लिस्ट, वैसे तो ये वक्त एक बड़ी लिस्ट को अपडेट करने का है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इन दिनों लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसमें आप और हम भी हैं, इसलिए मेरे पास इस वक्त तीन तरह की लिस्ट होती है। पहली लिस्ट जो हम मैन्युअली बनाते हैं और उसे अपडेट करते हैं, दूसरी लिस्ट हमारे सोशल मीडिया फ्रेंड और फॉलोअर्स, और तीसरी लिस्ट हमारे व्हाट्सएप और मैसेंजर कॉन्टैक्ट्स। मैं इन तीनों लिस्ट पर काम करता हूँ। दूसरा बेसिक इनविटेशन, इस कोरोना वायरस ने मेरे इनविटेशन के तरीकों में एक सार्थक परिवर्तन किया है। जैसे पहले हमारे इनविटेशन का मकसद सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग होता था, लेकिन अब जागरूकता संदेश के साथ जीवन उपयोगी विचारों का आदान प्रदान भी शामिल हो गया है, और इस मुश्किल के वक्त में ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। मैं जानता हूँ कि प्रमोशन हमारे इस बिजनेस की आत्मा है, इसलिए मैं अपनी सोशल मीडिया स्टोरीज में जागरूकता संदेश के साथ साथ मेरे FMCG और हेल्थ केयर उत्पादों के साथ साथ इस बिजनेस और खुद के प्रमोशन संबंधित पोस्ट शेयर करता हूँ। इसे मैं साइलेंट इनविटेशन कहना पसंद करता हूँ, जो उन लोगों को भी आमंत्रित करता है जो मेरे लिए स्ट्रेंजर है, लेकिन मैं उनके लिए नहीं हूँ। मैं अपने व्हाट्सएप और मैसेंजर के जरिए टेक्स्ट मैसेजेस, वीडियो एंड वॉइस कॉन्फ्रेंसेस, वीडियो कॉलिंग के जरिए, पर्सनल कॉलिंग या पर्सनल टेक्स्ट मैसेज के जरिए जागरूकता संदेश के साथ अपने इनविटेशन के मकसद को भी पूरा करता हूँ। इनविटेशन के तरीकों में मैं एक बड़ा बदलाव इसे भी मानता हूँ कि जैसे पहले हमारे इनविटेशन का मकसद न्यू प्रोस्पेक्टिंग होता था, लेकिन हम नई प्रोस्पेक्टिंग के चक्कर में आज इस मुश्किल वक्त में उन लोगों को नहीं भूल सकते जो ऑर्गेनाइज कस्टमर हो के हमारे इस बिजनेस में पहले से हमारे साथ हैं। चाहे वो हमारी टीम के लीडर हो या डिस्ट्रीब्यूटर या कंज्यूमर, हर वो व्यक्ति जो हमारे नेटवर्क का हिस्सा है, और वे सभी लोग जो आपको अपना समझते हैं, संकट के इस वक्त में आपसे तीन साधारण शब्द सुनने के लिए तरस रहे हैं। क्या आप जानते हैं वो तीन साधारण शब्द क्या है? वो तीन साधारण शब्द है, आप कैसे हैं? ये तीन जादुई शब्द आपकी मदद करेंगे मुश्किल के इस वक्त में आपकी टीम को आमंत्रित करने के लिए, नए नवाचारों और रचनात्मकताओं से अवगत कराने में, उनकी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता को बनाए रखने में, आपके बिजनेस और आपसी संबंधों को मजबूत बनाने में। तीसरा बेसिक प्लान, इस लॉकडाउन ने बिजनेस प्लान दिखाने के हमारे तरीकों को बिल्कुल बदल डाला है। मैं अपने बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन के वीडियो को शेयर करके, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई कार्ड टीजर में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसके साथ ही आपको बहुत सारे ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग वीडियोज मिल जाएंगे जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेंगे। उन वीडियोज को शेयर करके या वीडियो कॉलिंग के जरिए मैं 1-to-1 प्लानिंग करता हूँ। इसके साथ ही मैं YouTube और Facebook लाइव पे होने वाली ऑनलाइन GTS या बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन में प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करके बिजनेस प्लान की जानकारी देता हूँ। चौथा बेसिक फॉलोअप एंड क्लोजिंग, मैं प्लान दिखाने के बाद प्रोडक्ट की शेयरिंग करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी से प्रोस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद फॉलोअप करके उसको क्लोजिंग तक लाना आसान होता है। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करवा के, साथ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के और ऑनलाइन ही ऑर्डर प्लेस करवा के मैं इस लॉकडाउन के बाद डिलीवरी कन्फर्म करवाने के साथ प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करता हूँ इस बिजनेस की ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग में और इस बिजनेस की फोर बेसिक्स ट्रेनिंग में, या फिर मैं उन्हें ऐसे वीडियो मेरे शेयर करता हूँ जिससे उनको प्रोडक्ट और इस बिजनेस के बेसिक नियमों की जानकारी आसानी से मिल जाए और वो इस बिजनेस के सिस्टम के साथ खुद को प्लग कर सके। इस तरह इस लॉकडाउन में घर बैठे मैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आगे बढ़ा रहा हूँ। शुरुआत में ये मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैं इन चीज़ों का अभ्यस्त हो गया। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़ मति हो सुजान, और मुझे गीता का एक श्लोक हमेशा प्रेरित करता है, कर्मण्येवाधि का रस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करो। सो थिंक पॉजिटिव, कीप ट्राइंग एंड कीप ग्रोइंग। अभी हाल ही में इस दुनिया को अलविदा कह चुके शानदार अभिनेता इरफान खान का एक डायलॉग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मुझे मोटिवेट करता है। मैं वही सुनता हूँ जिससे मेरे इरादे मजबूत हो। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और
और जिस किसी ने भी आपको ये वीडियो भेजा है, वो चाहता है कि इस मुश्किल वक्त में आप अपनी कार्य कुशलता को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। तो अगर ऐसा ही आप उन लोगों के लिए करना चाहते हैं जो आपके फैमिली, फ्रेंड्स या टीम के मेंबर हैं, जिनकी मदद आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में कर सकते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट्स में लिखें, हम हमारे अनुभव से आपकी मुश्किल को दूर करने में पूरी मदद करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड लर्न विद मी। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपका अपना तारा आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि हम हमारे आने वाले वीडियो में इससे भी रोचक और प्रेरणादायक विषय के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।